ये देखिए मैंने सारे इनके पार उतार के सबको अच्छी तरह वॉश करके फ्रीज रखा है, ठीक है। फ्रीज में रख दिया था। आप बनाने लगे हैं चावल के, जी सारा गोश्त परिंदों का। ये 1 किलो टमाटर हैं, 2 बड़े साइज के प्याज बारीक बारीक कटे हैं, ये थोड़ा सा आलू बुखारा, ये खड़े मसाले और सफेद जीरा, ये नींबू का रस निकाला है, ये अदरक है, ये सब मिर्च है। चलते हैं बनाने की तरफ। ये मैंने प्रेशर कुकर लिया रखा है, ये बहुत मजे का बहुत जल्दी तैयार होता है। आपने भी इसी तरह बनाना है। रोजगारी भाई देख रहे हैं, जो बहनें देख रही हैं, जो बेटियां भाई, आपके जी कहूँगी जी इसी तरह तैयार होता है शिकार वाला परौठा, ठीक है। 10 मिनट मैंने इसको वेट लगाना है। 2 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, 2-3 बार दिया है, ये डाल रही हूँ बीच में। 2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डालेंगे, नमक डाल दिए। ये देखिए इसी तरह नमक मैंने सारा मिक्स कर दिया। अब इसको 15 मिनट इसको रखना है। जब इसकी सीटी हिलेगी फिर हमने टाइम बनाना खाना है। दूसरी मिनट मैंने ये तेज कर लिया, प्याज डाल दूंगी इसके अंदर सारे। ये आपका पेपर, ये पूरा जाएगा। 4 किलो चावल है, 4 किलो मैंने अच्छी तरह वॉश किया है, अभी गीले नहीं किए, आप गीले करोगे साफ। ठीक है, मैं टमाटर में सारे मसाले डाल दूँगी। ये टमाटर का पेस्ट जो है इसके अंदर ये डाल रही हूँ, नींबू का रस ये डाल दिए, ये खड़े मसाले हैं, सफेद इलायची है, बादियान है, लौंग है, दालचीनी है, जैसे सफेद जीरा ये डाल दिए, ये सब्ज मिर्च है ये भी डाल दिए, ये आलू बुखारा ये भी डाल दिए, जो अदरक है इसका मैं पेस्ट बना के ये भी डालूंगी, और उसको छक धनिया दी, ठीक है। इसके अंदर नमक डालोगे, 2 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं, 2 मैंने उधर डाले हैं, फिर नमक चेक करके फिर आप डाल सकते हैं कितना आपको चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे चावल हैं, काफ़ी सारा गोश्त है, ये सभी ये 1/2 टेबल स्पून के अंदर लाल मिर्च पाउडर ये डाल दिए, 1 चुटकी मैंने हल्दी की डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, कुछ धनिया वो भी मैं डाल दी मीठे हल्की, ये पीसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून ये भी डाल दिए, अब मैं कुछ धनिया वो ठहर के डालूँगी बाद में। ये कुछ धनिया 1 टेबल स्पून ये भी डाल दिए, ये 2 टेबल स्पून के अंदर अदरक का पेस्ट ये भी डाल दूँगी, सारी चीज़ें कट्टी मान रहे हैं, गर्म बड़ा है कि मैं आपको दिखाती। ये हमने आपको किया इसको पूरा नहीं किया, इसके अंदर चावल के अंदर भी इसने पकाना है, फ्राई भी होना है। मुझे मैंने प्याज डाले थे उसके ऊपर थोड़े से हल्के से पानी छोड़ देंगे, फिर हम प्याज हल्के से हो गए हैं, इसके अंदर डाल के सारा जो कुछ निकाल के सारा कुछ भी मैं डाल दिए। अभी मैंने फ्राई करना है, फ्राई करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बताती हूँ क्या चीज़ करनी है, ये चीज़ें नहीं बनाई है,
पानी पुलाव बनेगा बहुत अच्छेगा बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी गोश्त हो गया, हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, एक टेबल स्पून जी डाल दिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हो गया प्याज भी लहसुन भी हो गए, ब्राउन हो गया, हम इसके अंदर मसाला डालोगे, चार बॉल इसके अंदर तीन जी गर्म के डाल दिए हैं, एक इसके अंदर पानी का डालूंगा, तो मैंने पानी डाल दिया, चार बॉल पानी का डालना है पानी, और मैंने इसको कवर करना है, जब इसको उबाल आएगा फिर हम इसके अंदर चावल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चावल मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसकी पानी इसके अंदर से निकाला है, इधर जी इसको भी उबाल आ गया, जी मैंने सारे चावल डाल दिए, आप पानी इसका सारा यखनी खुशक होती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो पानी सारा खुशक हो गया, दम लगाऊंगी इसको, किशमिश डाल रही हूँ, ये काबुली पुलाव तैयार हो रहा है, बहुत मज़े का बहुत लजीज, आपके पास बादाम है, अखरोट है, दूसरा काजू है, आप सब कुछ डाल सकते हैं इसके अंदर, मेरे पास ये किशमिश थी मैंने ये डाला, हमें रुमाल डाल रही हूँ इसके ऊपर, जो नीचे मैंने तवा रखा है इसके अंदर वो भी गर्म हो गया, उसको उठा के इसके अंदर रखूँगी, अभी गर्म करके वो रखी है, चावल फिर नीचे देसकी के अंदर नहीं लगते, ठीक है, 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, 10 मिनट हमने इसको दम दे रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए 10 मिनट हो गए, फिर मैंने ऊपर दिया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, अब मैं डिश आउट करूँगी, छिलिया फिलिया बनाया, जो मैंने मिर्च डाली है सब मैंने इस बीच में इसको काट रखा है, मिर्च को देखिए माशाल्लाह, आपने इसी तरह बनाना है, आपने किशमिश भी डालनी है, किशमिश डालने से भी उसकी अपने ही शान है, ये देखिए माशाल्लाह 4 किलो चावल है, 4 किलो इसके अंदर गोश्त है, सारे परिंदों का 40 परिंदे थे, तो कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे इसकी लुक देखे, हमारी वीडियो पसंद आए आपने लाइक भी करना, शेयर भी करना, बेल लाइक भी दबाना, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे तो हमें याद रखना, अल्लाह हाफिज़, प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा, आप मैंने साथ बनाया, साथ देखा रहता बनाया, ये देखिए माशाल्लाह चावल देखे हैं और इसके अंदर ये परिंदों का गोश्त देखते हैं।